हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बैलेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिटरेरी मीनिंग ऑफ द वर्ड बैलेट इज अ डांस सॉन्ग। बैलेट वर्ड का मीनिंग डांस सॉन्ग होता है, मींस ऐसा सॉन्ग जिस पर डांस किया जाए। अ बैलेट वॉज अ सॉन्ग और अ कलेक्शन ऑफ अ सॉन्ग विच वॉज संग बाय वॉन्डरिंग सिंगर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज टू द अकम्पनीमेंट ऑफ अ हार्प। बैलेड एक सॉन्ग होता है या फिर काफ़ी सारे सॉन्ग्स का कलेक्शन होता है जिसे एक विलेज से दूसरे विलेज जाकर सिंगर्स गाते थे। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हार्प कहते हैं। हार्प को बजाकर बैलेड गाया जाता था। द बैलेड जनरली ग्लोरीफाइड द ब्रेव डीड्स एंड हीरोइक एक्सप्लॉइट्स ऑफ हिस्टोरिकल और लेजेंडरी हीरोज एंड नाइट्स। बैलेड एक ऐसे सॉन्ग होते हैं जिसमें किसी बहादुर कैरेक्टर की बहादुरी के बारे में बताया जाता है। द बैलेट वर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। बैलेट काफ़ी ओल्ड पोइट्री है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होती है। अ बैलेट इज़ अ सिंपल पोएम सेट टू अ ट्यून। बैलेट एक सिंपल पोएम होती है जिसमें धुन होती है, राइमिंग होती है, रिदम होते हैं। इस पोएम में म्यूजिकल क्वालिटीज़ होती हैं। बैलेड वर इम्पर्सनल इन नेचर, दे आर सब्जेक्ट वर मेमोरेबल इंसिडेंट लाइक लव अफेयर्स, एडवेंचर, वॉर एक्सेट्रा। बैलेड इम्पर्सनल होते हैं। बैलेड्स में पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता है। बैलेड में बेसिकली किसी यादगार इवेंट के बारे में डिफाइन किया जाता है, जैसे कि लव अफेयर्स, एडवेंचर, वॉर एक्सेट्रा। इट हैज़ अ स्पेसिफिक स्टैंजा फॉर्म। The ballad were written in four line stanzas called quatrain. Ballad stanza की form में होते हैं। Ballad का एक stanza four line का होता है जिसे quatrain कहा जाता है। Guys, four line के stanza को ही quatrain कहते हैं। The story is told in a simple and direct manner. जो भी story poet ballad में बता रहा है उसे वो बहुत ही simple और direct manner में बताता है। द लैंग्वेज इज सिंपल इन बैलेड। बैलेड में जो लैंग्वेज यूज करता है पोएट वो बहुत ही सिंपल और ईजी होती है। ईजिली समझ में आ जाता है कि पोएट क्या कहना चाह रहा है। सो गाइज, ये था बैलेड। एक बार बैलेड को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। बैलेड पोएट्री का एक ऐसा फॉर्म है जो सॉन्ग की तरह होता है और इसे हार्प के साथ गाया जाता है। हार्प एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये एक इम्पर्सनल पोएट्री है जिसमें पोएट किसी मेमोरेबल इंसिडेंट को डिस्क्राइब करता है। बैलेट क्वार्ट्रेन के फॉर्म में लिखा होता है, मींस कि बैलेट में चार लाइन का एक स्टैंजा होता है। अब डिस्कस करते हैं बैलेट के टाइप्स। बैलेट दो टाइप्स के होते हैं, ट्रेडिशनल बैलेट एंड लिटरेरी बैलेट। ट्रेडिशनल बैलेट वो बैलेट होता है जिसे एंशियंट टाइम में उन पोएट्स ने डेवलप किया था जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता है। ट्रेडिशनल बैलेट रिटन फॉर्म में नहीं होते थे, इन्हें ओरली ही गाया जाता था। ट्रेडिशनल बैलेट को एक सिंगल पोएट नहीं गाता था बल्कि ये ग्रुप में गाया जाता था। ट्रेडिशनल बैलेट 15 सेंचुरी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, इन दोनों कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ट्रेडिशनल बैलेट एक तरीके की नैरेटिव पोएम थी जिसमें स्टोरी बताई जाती थी, लेकिन बाद में इसमें म्यूज़िक भी ऐड कर दिया गया और ये म्यूज़िक के साथ गाया जाने लगा। नेक्स्ट इज़ लिटरेरी बैलेट। लिटरेरी बैलेट वो बैलेट होता है जिसे वेल नोन पोएट लिखते हैं, मीन्स कि लिटरेरी बैलेट को ऐसे पोएट लिखते हैं जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं। पोएट लिटरेरी बैलेट में लिटरेचर की टेक्निक का बहुत ही अच्छे से यूज़ करता है। लिटरेरी बैलेट 18 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे। तो गाइज, ये थे बैलेट एंड टाइप्स ऑफ बैलेट। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू।